तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से स्वागत है आपका फटाफट के अंदाज में हमारे इस वीडियो में। मैं और मेरे साथ मेरा छोटा भाई श्याम, तो एक बेजवान को बचाने के लिए आए हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ये नहीं पता है कि हम कहाँ पे आए हैं। हम वहाँ पे आए हैं। अंकल, आप यहाँ आए, एक बार अपना नाम पता बताएं कि हम लोग कहाँ पे आए हैं। नाम तो मूला राम। अच्छा, गांव का नाम? गांव गोविंद सर। गोविंद सर, जिला कौन सा है? जिला बीकानेर। बीकानेर। और आपका नाम क्या है? आपका नाम मूला राम। मूला राम। सांप कब देखा गया घर में? सांप तो यहाँ में एक वो बिजुड़ रहा, 3 महीना हो गया। 3 महीने से वही घर में जोड़ो है। अच्छा, जोड़ो तो कोई माने दिक्कत नहीं निकाली। अच्छा, अभी तक दिक्कत? एक बार बुलाया था, ये पकड़ ले गयो, छोड़ गयो, तो अभी वो डबल ले रहा, 2 हो गया, एक रहा 2 बन गया। जब मैं कहो जगह नहीं छोड़ो, जहाँ आप बप्ते से नखत बनाने प्रसाद कर दो, गायों घनी दुआड़े खीर बना प्रसाद कर दो बैठा आप बातियों फिर मेहमान बात सूझ जाओ। तो मैं दोस्तों चाचा की बात तो नहीं समझ पाया, श्याम भाई क्या बोले चाचा? अरे खेत में रहते हैं कि हम खेत में ही रहते हैं। मैं खेत में रहता हूँ 24 घंटे। अच्छा, 24 घंटे रहते हैं और 3 महीने से अंदर सांप है जो ऊपर घूम रहा है। अच्छा, घूम रहे। एक बार छोड़ के आए थे, फिर 2 आ गए, 2 लेके आ गए। एक तो पहली तो एक ने ले गया होगा, डबल आए, 2 आ गया, 2 आ गए। अच्छा, फिर वो घूम रहे हैं। आ कोई भी हमारे यहाँ लोक देवता है, उनको हमने प्रसाद कर दिया, कोई हमें दखल नहीं दिया, तो हम बैठे हैं। वो तो चलिए फटाफट के अंदाज में बेजवान को बचाते हैं और आपको दिखाते हैं। आप दोस्तों नजरें जमाए रखिए, क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी कम। दोस्तों हमारे पूरे भारत में अलग अलग गांव में, दोस्तों अलग अलग स्टेटों में बहुत ही रंग बिरंगे की व्यवस्था है। कहीं पर पक्का मकान है, कहीं पर छप्पर है, सबका अपना अलग अलग मजा है। दोस्तों बारिश होती है तो यहाँ पर पानी इसके अंदर नहीं जाता है और इसी के अंदर एक प्रकार से समझिए कि अपना पक्का महल है। तो दोस्तों पूरे दूर दूर तक इस गांव में घर नहीं रहते, एक घर रहता है कहीं कहीं पे। तो हमारे यहां तो घर के बगल में घर सटा हुआ है और इसके अंदर दोस्तों बढ़िया सा रसोई है। और आइए अंदर क्या क्या है सब आपको दिखाते हैं। आइए अंकल। आइए चाचा। ये बात ही चल रही है। तो दोस्तों आप ये देखिए, ये बहुत ही पुराना है, बहुत पुराना है। अभी तो पट्टियों वालों मुकाम हो गए, अब अजम पट्टियों वालों मुकाम हो तो पुरानी चल रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ही पुरानी व्यवस्था है, पुरानी पुरानी। ये राजस्थान की धरोहर है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में और ऐसा प्लेस दोस्तों बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये थोड़ी जानता है, ये हम सौंप रहे हैं। गजब का रसोई है ये, यहाँ पर खाने पीने की चीजें हैं, चाय भी बनती है, दूध भी है, सब कुछ मस्त है। कई बार दोस्तों ये बताया जाता है कि जहाँ पर इंसान रहता है वहीं पे अनाज होता है और अनाज को खाने के लिए चूहा, चूहा को खाने के लिए सांप। तो दोस्तों इन रसोई के घरों के आसपास ही ज्यादा सांप रहते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये थाली है, इसको हम बाहर करते हैं। आइए सर, ये लकड़ी हम बढ़ गई वाला एक किनारे से शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी सांप हो सकता है। ये देखिए हमारे गाँव का बेलन है दोस्तों, जिससे रोटी बनाई जाती है, ऐसे है ना। हाँ, इतना छोटा सा है दोस्तों, ये है बेलन, इससे रोटियां लंबी होती हैं। बहुत छोटा सा है, बहुत पतला सा, लेकिन ये दोस्तों पेट भरने के लिए अच्छे अच्छों का पेट यही भरता है। चलिए अब शुरू करते हैं। लकड़ियों में संभाल लो तो। अच्छा, लकड़ी पहले चेक करें। हाँ, इनमें पड़ गई वाला। चलिए ठीक है। दोस्तों आप ये देखिए, इसमें सांप दिख गया है। अरे ओ क्यों ना गए, ओ और ही आयो। तो दोस्तों ये इसके अंदर सांप है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों, ये है एक ऐसा सांप है हमारे भारत का जिसको हम इंडियन कॉमन करैत के नाम से जानते हैं। ओ और ये दोस्तों आप ये देखिए, इन्हें बोले पीउनो सांप। ओ तो पीउनी है, चलो कुमार ला रे। नहीं नहीं, मारना नहीं है, नहीं तो पकड़ ले दो। हाँ हाँ, ले दो आगो। अब मार देते हैं क्या सांप? मैं तो मार दूं। नहीं नहीं, मारना नहीं चाहिए, इस सांप को कम ही छोड़ते हैं, मार देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मार देते हैं सांप को। ये ओ तो प्यून है, वो सांप है। कौन सा सांप है ये? ओ प्यून, पेना। प्यून ओ पेना भी। दोस्तों आप ये देखिए, ये हमारे भारत का एक ऐसा सांप है लंबू कर जिसको हमारे यहाँ इंडियन कॉमन करैत के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको यहाँ क्या कहते हैं, काफी खाया पिया घर से और बहुत ही पुराना इंडियन कॉमन करैत। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक वेनम है और ये दोस्तों कोबरा से भी अधिक 4 गुना जहरीला होता है। दोस्तों ये एक प्रकार से मुझे लगता है रात के अंधेरे में यहीं पर बैठा हुआ था और ये बिल है, बिल में बढ़ जोला। नहीं नहीं, देख रहे हैं आप दोस्तों, इस प्रकार से छेड़े जाने के बाद ये आगे बढ़ता है। आने दीजिए, आने दीजिए।
जरा से दोस्तों छेड़छाड़ होता है। दोस्तों इसको आप देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर छोटी छोटे बिल हैं, चूहे हैं, और इन्हीं को खाने के लिए आप ये देखिए बिल को निकली। इसी चूहों को खाने के चक्कर में ये रात के अंधेरे में रहता है। और ये दोस्तों जिस प्रकार से कोठरी है इसके अंदर हमेशा अंधेरा रहता है, तो अंधेरे में अगर उजाला नहीं है तो जब भी आप अपने घर में कदम रखिए, किसी सामान को निकालिए, तो हमेशा हाथों में टॉर्च रखिए, उजाला रखिए, क्योंकि इसके काटने के बाद दोस्तों प्राणों का बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारी जहाँ तक दोस्तों जानकारियाँ थी मैंने बताया। अब इसको यहाँ पे क्या कहते हैं हम अपने श्याम भाई से मिलते हैं। श्याम भाई बताओ जरा। इसको यहाँ पैणा चोरनाग के नाम से जाना जाता है। चोर इसलिए बोला जाता है कि रात्रि में आकर चुपके से ये काट कर दोस्तों जैसे साइलेंट किलर हम लोग कहते हैं, शांति से निकलता है। पीवना स्नेक बोलते हैं, चोरनाग बोलते हैं, और भी कई सारे इसके नाम हैं, कोज की कोजू बोले। लेकिन ये जो है कैरेत की प्रजाति है, सिंध कैरेत है। अच्छा। जो कॉमन कैरेत से भी 10 गुना ज्यादा जहरीला है ये सांप। ये सिंध की प्रजाति है। सिंध सांप इसको बोलते हैं। सिंध नहीं, सिंध जो देश है। अच्छा, सिंध देश। हाँ, उसकी प्रजाति है ये। बहुत ही बड़ा सांप है ये। चाबी पकड़ लेते हो। छोटे। चलिए दोस्तों ये देखिए, अब ये जो है भागता ही बहुत तेजी से है। लेकिन आगे दोस्तों ये दूध रखा हुआ है, ये अब भागना चाहता है, इसको ये लग रहा है। चलिए बाहर आ रहा है, बाहर आने दीजिए। दोस्तों इस प्रकार से ये बाहर आए। सर दौड़ कम करे यार। ये दोस्तों दिन रदी से को नहीं, इन दिन रदी से इस प्रकार से ये चलता है। रात रदी से इन दिन रदी से को ना मौन दो है। तो चलिए दोस्तों इसका भी सौभाग्य बहुत अच्छा है कि साफ साफ बच गया। बच्चों है, बच्चों एक मोटो फिरे है अठे वो कदी से कावे बिल है बड़जो लमे कार्ड खपारो दी है। ओ बड़े। जा रहा है ना? नहीं, जाने नहीं पाएगा ये। दोस्तों यहाँ पर एक बिल है, आप ये देखिए, इसी प्रकार से ये बिल में जाकर के छिप जाता है ना? लेकिन जगह नहीं है छिपने के लिए, तो इसलिए दोस्तों उसमें ये जा नहीं पाएगा। दोस्तों इस प्रकार से इसमें जगह ना होने के कारण अभी ये फिर आगे चलेगा। कुछ और विशेष हो तो आप बताएं। जो कॉमन कैरेत और सिंध कैरेत में बस यही फर्क है कि जो इसका मुंह है ना, इसके नीचे से ये येलो है, सिंध जो होता है। अच्छा, ये येलो होता है यहाँ से मुंह के नीचे से, और जो कॉमन कैरेत होता है वो है ना वाइट होता है एकदम। ये इसकी येलो है ना नीचे से पट्टी मुंह के नीचे। दोस्तों भाई का कहना है ये सिंध करेत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो फन के नीचे फुट के नीचे जो येलो कलर का है, इसलिए इसको सिंध करेत बोलते हैं। और ये देखिए पूरी तरीके से ये एडल्ट है। अगर ये दोस्तों गलती से रात के अंधेरे में काट लेता है और अगर आपको एंटी वेनम नहीं मिला तो आपके प्राण बच नहीं सकते किसी भी सूरत में। और यहाँ के लोग बताते हैं कि ये काट ले, मतलब घर में एक बार आ जाए तो ये 100 किलोमीटर दूर से वापस आ जाए उसी जगह। दोस्तों यहाँ पर एक अलग प्रकार का तथ्य है, अंधविश्वास यूँ कह लीजिए, कि अगर ये एक बार घर में निकल गया और इसे दूर आप ले जाकर के 100 किलोमीटर दूर भी रिलीज करते हैं तो भी ये वापस घर में आ जाता है। नहीं, रिलीज करने नहीं देते, इसको जला देते हैं, जिंदा जलाते हैं लोग यहाँ पे। यहाँ जो लोग हैं ना उसको जिंदा लकड़ियों पे डाल के जला कर फिर पेड़ पे टांग देते हैं। नहीं दे पाँच सौ तीन अगर इसको मार दिया ना तो मार के काट के फिर पेड़ पे लटका देते हैं और रात भर उसका पहरा देते हैं लोग कि ये वापस जिंदा ना हो जाए। बिल्कुल दोस्तों आप ये समझ लीजिए, ये सांप अगर यहाँ पे निकलता है तो लोग इसको मारते हैं या तो फिर इसे जिंदा जलाते हैं। लोगों का ये खौफ है कि ये 100 किलोमीटर दूर से भी आ जाता है, मतलब इसको काट करके पेड़ पे टांग देते हैं। तो अलग अलग दोस्तों किंवदंतियाँ हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग समाज है, तो दूर दूर प्रदेशों में इसी प्रकार का एक अलग भयानक भय बना रहता है लोगों में। जबकि ऐसा नहीं दोस्तों, सांप कभी बदला नहीं लेता, बदले की भावना इंसानों में होती है। ये 100 किलोमीटर दूर से नहीं, आप इसको 1 किलोमीटर दूर छोड़ दीजिए तो नहीं आ पाएगा, ये वहीं आसियाना बना लेगा। तो चलिए अब हम इसे पैक करते हैं।
दोस्तों आप ये देखिए दोस्तों, इसकी आंखों के नीचे ही इसके हुड जो बने हैं, यहाँ यहाँ इसके वेनम के थैलियाँ होती हैं। इसके बदन की भी दोस्तों जो बनावट है वो सबसे अलग है। ये दोस्तों कभी कभी रात्रि में सांप भी खाता है। दोस्तों इसको हम डिब्बे में पैक करते हैं। इस वीडियो को देख के काफ़ी नहीं कीजिएगा, ये बहुत ही खतरनाक काम है दोस्तों। दोस्तों इस प्रकार से डिब्बे में सांप को छोड़ते हुए बहुत सारे हादसे होते हैं। इस वीडियो को देख के काफ़ी नहीं कीजिएगा क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक काम है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और बाय बाय। वीडियो को दूर तक शेयर कीजिए दोस्तों। इस प्रकार से बेजुबानों को बचाने में जो मुझे आनंद प्राप्त होता है वो दुनिया के और किसी आनंद में शायद नहीं है। और साथ में गोविंद भाई का सहयोग है जो मैं इन जीवों को यहाँ पर देख पा रहा हूँ बीकानेर राजस्थान में। प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। इसको रिलीज़ करने के लिए सिंध कामन करैत को बड़े से जंगल की तरफ आ चुके हैं। यहीं पर इसको रिलीज़ करते हैं और आपको दिखा देते हैं फटाफट। तो दोस्तों श्याम भाई तो कहीं ज़रूरी काम से चले गए और आपको यहीं पर हम इसको दिखा देते हैं। चलिए अब ये दोस्तों यहाँ से चला जाएगा। तो दोस्तों ये सिंध करैत अब यहाँ से चला जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों बिजवानों को बचाने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।